ये विकास है भाजपा सरकार का। वैसे ये इलाका ओल्ड फरीदाबाद जो विधानसभा पड़ती है तो ये वो क्षेत्र है, और इससे अगले 50 मीटर पर जो है बढ़कर विधानसभा क्षेत्र शुरू हो जाती है। ये इधर देखिए ये सारी स्थिति, और साथ में 3-स्टार होटल है, और होटल के बगल में ये सारा इलाका आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर इतनी गंदगी है, कभी आप नगर निगम के पास नहीं गए, अपने विधायक के हैं? विधायक तो आते ही नहीं है यहाँ पे, कभी आए? कौन है विधायक? नरेंद्र गुप्ता। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना YouTube मंच से। दोस्तों इस समय में बड़कल विधानसभा क्षेत्र के NIT इलाके में खड़ा हूँ, NIT फरीदाबाद में, जो ये वो इलाका है जो 1947 के बाद जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए थे उनके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने ये सारा न्यू टाउनशिप बताया था। और यहाँ पर अधिकतर जो पंजाबी बाहुल्य ये इलाका है, और जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव जोरों पर है, चरम पर पहुँच रहा है। उसी कड़ी में हमारे देश रोजाना की टीम भी लोगों के बीच में जा रही है। इस टाइम हम मार्केट नंबर 1 नज़दीक में होटल डिलाइट के यहाँ पर खड़े हैं, और ये AC नगर है, और ये हमारा आप देख लीजिए देश रोजाना की चुनावी चौपाल है। मेरा वोट मेरी सरकार, मेरा वोट मेरा विधायक, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024, 24 का दंगल किसका मंगल। तो ये वाहन हमारा पूरे फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की हर विधानसभा में घूम रहा है, और माहौल को देख रहा है कि भाई कहाँ पर क्या चल रहा है, लोगों का मूड कैसा है, जो वर्तमान सरकार है भाजपा की उसके प्रति उनका क्या सोच है, और जो चुनाव चल रहे हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। आइए इधर देखते हैं, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं। ये राणा छोला छोले कुल्फी क्या है, और स्पेशल घुमा दीजिए। हाँ जी, क्या हाल है? ये क्या नाम है आपका, खड़े हो जाओगे? नाम नागरमल। क्या नाम? नागरमल। नागरमल क्या करते हैं? अब तो रिटायर हैं। कहाँ से रिटायर हुए हैं? एम्स से। एम्स से दिल्ली जी। अच्छा, रहते कहाँ हैं? यहीं रहते हैं, इसी नगर में। इसी नगर में रहते हैं। तो क्या हालात चल रहे हैं, चुनाव हैं, और मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप किस बोटी के किस पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन माहौल क्या चल रहा है भाजपा के बीच में, या कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, या और बसपा का और इनेलो का भी उम्मीदवार है, आप पार्टी का भी उम्मीदवार है, तो इस चुनावी दंगल में आपको क्या माहौल है, कौन आगे लग रहा है, किसकी सरकार बनती दिख रही है, क्या तीसरी बार भाजपा सरकार लौटेगी या कोई नई सरकार आएगी? ऐसा है कि तो यहाँ तो माहौल मिला जुला है। अच्छा जी, मुख्य मुकाबला आप किसके बीच में? मुकाबला बस कांग्रेस के और बीजेपी के बीच। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के है, और BSP यानी इनेलो का जो गठबंधन है उसका तो अभी यहाँ तो कुछ है नहीं। यहाँ कुछ नहीं? अच्छा, इस एरिया में। आपका क्या नाम है चाचा? मेरा अतर सिंह है। अतर सिंह, आ जाइए इधर बैठ जाइए, मैं बैठता हूँ। छत्तर सिंह। हाँ जी। अच्छा, छत्तर सिंह, आप बताइए कहाँ रहते हैं? मैं भी यहीं रहता हूँ। AC नगर में? क्या करते रहे हैं? मैं आर्मी से रिटायर्ड। अच्छा, तो यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में मुख्य टक्कर आपको कांग्रेस और बीजेपी में लग रही है।
और ये जो आप इधर घुमाएं जरा, ये जो गंदगी है ये तो इसके नीचे ट्रक के नीचे, उधर से थोड़ा सा विजुअल दिखाइए कि भाई ये पिछले 10 सालों में जो भाजपा की सरकार रही है उसमें क्या विकास कार्य, ये जीते जागते उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं कि सफाई की, गंदगी की। आपके सामने है, अब हम ही इसका व्याख्यान क्या करें। अच्छा, आपके सामने मतलब हालात ठीक नहीं, मतलब बढ़िया खुशबू आ रही है। आप बहुत बदबू आ रही है, तो आप कभी अपने विधायक से सीमा त्रिखा से इस मामले में मिले? सीमा त्रिखा का एरिया नहीं आता। अच्छा, नहीं नहीं, ये बड़कल क्षेत्र ही है, उसी के उसमें आता है ना जी, ये ओल्ड फरीदाबाद वाले। अच्छा, ये इधर से उधर ओल्ड फरीदाबाद है। ओल्ड फरीदाबाद, तो ओल्ड फरीदाबाद के बारे में बता दीजिए। वहाँ से लखन सिंगला खड़ा है, लखन सिंगला और विपुल गोयल है। तो जो ओल्ड फरीदाबाद की जो सीट है उसके बारे में आपका क्या सोचना है, कौन आगे, कौन जीतने वाला है, कौन सही उम्मीदवार लग रहा है? देखो जी, अभी तो दोनों में फिलहाल टक्कर ही है। जो जो नजदीक आता जाएगा माहौल देखो कैसे बदलता है। जो पिछले 10 साल थे जो भाजपा के गुजरे, उनमें विकास कार्य हुए? नहीं, ऐसी नगर में कुछ भी नहीं हुआ ना, बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्या तो क्या बेरोजगारी बढ़ी? या बेरोजगारी तो देखो, जब हमारी आबादी बढ़ेगी तो बेरोजगारी, और ये तो एक नॉर्मल बात है। नहीं नहीं, बेरोजगार आपके इलाके में नौजवान दिखते हैं? ना ना, कोई नहीं है बेरोजगार, सब काम पे लगे हैं। चलिए अपने काम, चलिए इनका छत्तर सिंह जी का ये कहना है कि कोई ये जो शिलम बस्ती है शायद एसी नगर, तो यहाँ पर कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई छोटा मोटा सब काम करके कोई अपना धंधा, लेकिन सरकारी नौकरियाँ, अब सरकार तो इतनी नौकरियाँ कहाँ से देगी? नहीं नहीं, सरकारी नौकरियाँ हैं या नहीं? सरकारी नौकरियाँ हैं, सरकार नहीं, अब मिल नहीं मिल रही हैं आपके? नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मिल रही हैं, गांव में मिल रही हैं। गांव में मिल रही हैं, हाँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप, मेरा गांव फुलवाड़ी है। हाँ, फुलवाड़ी कौन से विधानसभा क्षेत्र में होता है? वो पड़ता है हथीन में। हथीन में, तो वहाँ पर क्या माहौल है हथीन में? हथीन में जो है जी, वहाँ वही कांग्रेस और बीजेपी में है। मतलब आपका मतलब है कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस, कांग्रेस में है, चाहे वो फरीदाबाद लोकसभा सीट की कोई भी मतलब सीट हो, कोई सा विधान, दोनों के बीच में ही मुकाबला। चलिए, मुकाबला रहेगा। चलिए, धन्यवाद। हाँ भाई, आप बताएं क्या नाम है आपका? वीर सिंह। ये क्या छोले बेचते हो? कहाँ रहते हो? अजरौंदा के रहने वाले हो? पीछे कहाँ के रहने वाले हो? पीछे यूपी बरेली। यूपी बरेली, कौन सा विधानसभा क्षेत्र आपका पड़ता है? वोट कहाँ डालते हो? कौन सी विधानसभा में हो? यहाँ तो सर हम अजरौंदा रहते हैं, तो ओल्ड में लगता है। ओल्ड में लगता है, संत नगर। अच्छा, संत नगर के में रहते हो, तो किस पार्टी के माहौल है? हम तो बीजेपी के। क्या आप बीजेपी के हैं? बीजेपी देते हैं। बीजेपी किस लिए कारण, कोई तो उधर देखो कैमरे की तरफ, उस तरफ देखो, कोई वजह? वजह के सरकार बढ़िया है, बढ़िया चल रही है सरकार। क्या 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 बढ़िया काम कर रही है जरा बताएंगे? पांच बढ़िया ही है, पांच काम ऐसे बताइए जो पिछले 10 साल में आम आदमी के लिए बढ़िया हुए हों। क्या महंगाई घटी है? क्या रोजगारी बेरोजगारी खत्म हुई है? क्या अपराध खत्म हुए हैं? चाहे जो सरकारी अस्पताल में बहुत अच्छा माहौल है, वहाँ पर आपको पूरी दवाइयाँ मिलती हैं, पूरा इलाज होता है, सब बढ़िया ही बढ़िया। और कौन से स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं? सर अजरौंदा में पढ़ते हैं, ज्ञानवाट का। ज्ञान प्राइवेट है, सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाते हो? सरकारी बढ़िया, वैसे बढ़िया चल रहा है। जब बढ़िया चल रहे हैं सरकारी, तब सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाते? नहीं पढ़ाते सर, वो तो अपनी अपनी इच्छा मर्जी है। अच्छा, तो आप जो है बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन पांच काम ये नहीं बता सके कि पांच काम जो है भाजपा ने पिछले 10 साल में क्या बढ़िया किया? सब बढ़िया ही कर रही है। क्या बढ़िया, एक नाम तो गिना दे पांच। राम मंदिर बनवा दिया सर। राम मंदिर से तुम्हें क्या लेना देना है? लेना देना क्यों नहीं है सर, क्या बताओ? तुम्हें तो अपना परिवार देखना है, बच्चे देखने हैं, रोजगार देखना है, एजुकेशन देखनी है, बच्चों की सेहत ठीक रहे, उस तरफ देखना, इन चीज़ों में बताओ।
मन मंदिर में, मंदिर तो हर उसके अंदर में है, ठीक है ना। मंदिर से कोई रोजगार नहीं मिलता, शिक्षा नहीं मिलती, आस्था का विषय है। कोई किसी भी धर्म को माने, मंदिर को माने, मस्जिद को माने, चर्च को माने, वो निजी मामला है। लेकिन उससे कोई आम आदमी को फ़ायदा होने वाला है, रोजगार मिलने वाला है, नौकरी मिलने वाली है, या स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया हो जाएंगी, क्या एजुकेशन होगी, हाँ ठीक। तो ये थे, क्या नाम बताया था आपने? वीर सिंह। मतलब ये भाजपा के सपोर्टर हैं वीर सिंह जी, लेकिन इन्हें ये कुछ नहीं पता कि पिछले 10 सालों में कुछ पांच कार्य ये सरकार के ऐसे नहीं बता सके जिससे कि भाई उसकी प्रशंसा की जा सके या वो बढ़िया काम है। आप बताएं क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? जगन्नाथ। यार ये तो मेरा नाम है। चलो कोई बात नहीं, एक नाम के दो से हो सकते हैं। हाँ, क्या करते हैं जगन्नाथ जी? बेलदारी करते हो। उधर देखो कैमरे के पास। बेलदारी करते हो, कहाँ रहते हो? ए सी नगर में रहते हो। पीछे कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के कौन से जिले के हो? बिहारी जिले। तो यहाँ पर वोट कौन सी जगह डालते हो? आपका वोट ही नहीं है? अच्छा, कितने समय से रह रहे हो यहाँ? 30 साल हो गया। 30 साल से रह रहे हो तो वोट काहे नहीं बनवाए हो? नहीं बनवाए। क्यों नहीं बनवाए? यहाँ घर और है नहीं, किराए पर आता हूं। तो वोट डालने बिहार जाते हैं? जब चुनाव आते हैं बिहार में तब वहाँ जाते हैं। जब ये बढ़िया आदमी है तो वैसे केंद्र में भी, बिहार में भी, यहाँ भी वो आमतौर पर जो है भाजपा की सरकार है, तो भाजपा की जो सरकार पिछले 10 सालों से, उसके बारे में कोई 10 काम ऐसे बताएं जो बढ़िया किए हों जिससे आपके परिवार पे कोई बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा हो। तो कोई काम कहाँ कोई किया है बिहार में? बिहार में कोई काम नहीं किए हैं। और यहाँ फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद या ये बड़कल सीट जो चल रही है, यहाँ पर आपको जो विधायक था कौन था? नाम ही नहीं जानते हैं, हैं? गुप्ता जी थे जी। तो कभी नहीं मिले अपने विधायक से, कभी कोई काम भी नहीं पड़ा। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके? बिहार में ही रहते हैं आप? यहाँ रहते हैं, बच्चे बिहार में पढ़ते हैं, वोट देने भेज। बहुत बढ़िया जगन्नाथ जी, आप मेरे मुंह से नाम के। हाँ जी, आ जाओ भाई, आप भी आ जाए। भाई हम पे नहीं आता बोलना मालिक। नहीं, अपनी बीवी से नहीं बोलते हो? बीवी से बोलते हैं, मैं बोलना नहीं आता मालिक। बीवी को तो बहुत धमकाते हो। बीवी जेल में बंद करवा देगी। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये एसी नगर सामने दिखाई दे रहा है और आप ये हालात देख रहे हैं। ये विकास है भाजपा सरकार का। वैसे ये इलाका ओल्ड फरीदाबाद जो विधानसभा पड़ती है, तो ये वो क्षेत्र है और इससे अगले 50 मीटर पर जो है बड़कल विधानसभा क्षेत्र शुरू हो जाती है। तो ये जो है हालात, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो फरीदाबाद जो है पूरे हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहलाता है, आर्थिक राजधानी रही है वर्षों से, उसकी स्थिति विकास के लिहाज से ये स्थिति जो आप देख रहे हैं ये सारी है। ये इधर देखिए, ये सारी स्थिति। और साथ में 3-स्टार होटल है और होटल के बगल में ये सारा इलाका आप देख रहे हैं। बहरहाल जो भी है, देखिए भाजपा के प्रचार की गाड़ी जा रही है। हाँ भाई दोस्तों, कहाँ रहते हैं आप लोग? एसी नगर में। अच्छा, आपसे तो बात हो गई। अच्छा, जगन्नाथ जी से हो गई है। तो यहाँ आपका क्या नाम है? कमल सिंह। कमल सिंह कहाँ के रहने वाले हो? कितनी उम्र है? 58 साल। पीछे कहाँ के रहने वाले हो? जन्म यहाँ का है। अच्छा, क्या करते हैं? खोखा लगा रखा था। खोखा किस चीज़ का? बीड़ी सिगरेट वगैरह का। तो यहाँ पर इतनी गंदगी है, कभी आप नगर निगम के पास नहीं गए? जाते अपने विधायक के? विधायक तो आते ही नहीं है यहाँ पे, कभी आए। कौन है विधायक? नरेंद्र गुप्ता। मतलब कभी आपके क्षेत्र में आए ही नहीं? नहीं आएगी। उनको ये हालात दिखाए नहीं कि ये क्या है? सब आते हैं रोज, बिपिन गौर के बच्चे आते हैं,
सिंगला साहब आए हैं, सब आए यहाँ पे। सिंगला जी भी आए हैं? हाँ, बिल्कुल, कल परसों आए वो भी। अच्छा, लखन सिंगला जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो तो आते रहते हैं। आते रहते हैं, तो कैसा माहौल है? खराब माहौल है यहाँ पे, तो ये कहते हैं। अच्छा, बदबू है, लैटी नहीं है, बदबू है। सुबह 2-3 दिन से मशीन आ रही है, खुल रहा नहीं, डेली आती है मशीन। मतलब ये लगभग पूरे फरीदाबाद का ही ये हाल है। पिछले 10 साल जो सरकार के रहे, तो उसमें कोई 10 खूबियां या 10 कमियां या 5 अच्छाइयां 5 कमियां? 5 साल से ये देख रहे हैं, 5 साल से। तो ये जीतन जी एक बार भी नहीं आया हमारे शहर में, एक बार भी नहीं आया। क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू, तुम क्या काम करते हो? हम तो भी काम करते हैं, लेबर का। लेबर का काम करते हो और यहाँ रहते हो? हाँ जी। इसी गंदगी में रहते हो? अभी क्या कर रहे हैं पड़ता जी, क्या करेंगे यहाँ पर? अभी बारिश की वजह से हुआ है ये। हाँ, अच्छा, तो बारिश की वजह से है तो ये सफाई बंद पड़ा जी, पैक मार। तो सीवर क्या सफाई नहीं करनी चाहिए नगर निगम को? तो करनी चाहिए। क्या विधायक को या आगे को सीवर की सफाई नहीं करानी चाहिए? विधायकों का क्या काम है? नेताओं को किस लिए वोट देते हैं? हम किस लिए वोट देते हैं? भाई सफाई हो, स्वच्छ पीने का पानी मिले, बच्चों को शिक्षा मिले और स्वास्थ्य सेवाएं मिले, तो इसीलिए हम किसी सर जी कोई सुनता ही नहीं, जाके उन पे चले जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा राहुल। राहुल, क्या करते हैं आप? मेरा ग्लास एल्युमिनियम काम है जी। किसका? ग्लास एल्युमिनियम का, एलिवेशन का काम। अच्छा, ग्लास एल्युमिनियम का। तो यहीं रहते हैं? मैं अगली गली में रहता हूं। आप पीछे कहां के रहने वाले हैं? पंजाब लुधियाना। पंजाब लुधियाना, तो वोट यहाँ पर है? बिल्कुल है जी। अच्छा, जन्म भी यहीं का। जन्म भी यहीं का। तो कैसा लग रहा है माहौल? हाँ जी, 10 साल का जो माहौल है भाजपा का, आप उससे खुश हैं? मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। बिल्कुल खुश नहीं है? मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ किसी से भी। उधर देखिए कैमरा, उधर है। मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ जी। अच्छा, सीधी सी बात है, आपके सामने हालात है, देख लो। मतलब उधर देख लो, इधर देख लो, कहीं भी देख लो। जो 10 साल गुजरे हैं, इससे आप बिल्कुल खुश नहीं हैं? मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अच्छा, हमारी तरफ से तो ये अगर ये खड़ा हो जाए ना इलेक्शन में, मैं तो वोट इसको देना अच्छा समझूंगा अपना। मेरा वोट खराब हो जाए कोई बात नहीं, ये बेचारा जीत जाएगा, कुछ तो करेगा। मतलब ये है कि जो नरेंद्र पैसे वाले अपना खा पी के घर बैठे, इनको क्या जरूरत है? नरेंद्र गुप्ता जी पिछले 5 साल में कभी आए? एक बार भी नहीं आए जी, एक बार। उससे पहले विपुल गोयल बने थे, मंत्री भी बने थे। विपुल गोयल जी नहीं आए, लेकिन विपुल गोयल ने काम बहुत कराया यहाँ पे। अच्छा, विपुल गोयल ने कराया? अच्छा, ये सारे टूबल उबल उन्हीं के हाथ में लगे पड़े। अच्छा, सड़क बिछी है, विपुल गोयल के हाथ की बिछी पड़ी है, काम कराया जी सीधी बात। तो इस बार तो विपुल गोयल खड़े हैं भाजपा, देखते हैं जी। मतलब लब्बो लुबाब क्या है, माहौल किसका दिख रहा है, कांग्रेस में और भाजपा में? भाजपा के उम्मीदवार में, कांग्रेस के में कौन आगे दिख रहा है? हमें तो देखो सारे ऐसे ही लगते हैं जी, हमें तो कोई आप बता दो कि इन दोनों में से कौन सा सही है, वोट हम उसी को डाल देंगे। नहीं नहीं, हम लोग से परेशान है, देखिए जीते या बीजेपी जीते, दोनों से परेशान हो। हम लोगों का काम जो है आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाना, कि तुमने क्या किया है, जनता किस हालात में जी रही है। टेम्पू भर भर के ना यहाँ से अपने पर्सनल पैसों से जी एक एक ऑटो वाले को 500-500 रुपए दिए हैं। यहाँ से लेडीज इकट्ठी करके दफ्तरों में गए हैं, वहाँ 1 घंटे पागलों की तरह बाहर खड़े रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई नहीं 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 नहीं, क्या गए? आप दोबारा से रिपीट करें कि 500-500 रुपए अपने पर्सनल किराए से गए हैं यहाँ से? अच्छा, आप लोग अपना खर्च करके गए हैं टेम्पू में विधायक जी के घर, कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। क्या क्या अगर होनी होती तो ये हो रहा है। विधायक जी क्यों नहीं सुनते हैं? कोई नहीं, बोलते हैं कि करवाएंगे, आता कोई है नहीं। विधायक जी हमारे सामने फोन कर देंगे नगर निगम को, भैया ये काम होना चाहिए तुरंत, इनका ये आए हैं एसी नगर वाले, ये काम कर दो। आप सारे एसी नगर के रहने वाले हैं? कोई आता ही नहीं जी, क्या कर रहा है। मतलब एसी नगर के लोग दुखी हैं? बहुत दुखी हैं, सरकार से संतुष्ट नहीं है। तो सीधी सीधी बात है, जो हम लोगों पे धक्के खा रहे हैं, हम अपने 500-500 मिला के खुद ना कर लें रोड से ही पक्की ना भाई। लेकिन हर आदमी तो 500-500, आपका अच्छा काम है ठीक है, नहीं आप कर लोगे, लेकिन हर आदमी 500 रुपए नहीं दे सकता, और यदि दे सकते तो ये हो गया। 500 देगा कोई, 200 देगा, 100 देगा, जिसकी जैसे। मतलब हालात इस सरकार में यहाँ तक हो गए के गंदगी के, और इसके लिए भी ये सब लोग चंदा इकट्ठा करके। गली में देखो जी पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, हमने अपना पर्सनल टूवल अपना मतलब 10-15 घरों ने मिलके 10-10 हज़ार रुपए इकट्ठे करके अपना टूवल हमने अपना पर्सनल लगवाया था। अपना टूवल लगाना पड़ा, पर्सनली लगवाना पड़ गया हमें। सरकार ने पानी की व्यवस्था नहीं की व्यवस्था नहीं। अच्छा, आप जब बच्चे बीमार होते हैं, गरीब लोग हैं ज्यादातर, तो अस्पताल जाते हैं तो वहाँ सब सुविधाएं हैं अस्पताल में, सरकारी अस्पताल? मैं तो आज तक ऊपर आने की दुआ से कभी गया नहीं सरकारी अस्पताल।
तो भगवान ना करे आप लोग को जानते हैं सब कुछ मिलता है ठीक ठाक है, तो सब कुछ तो है अस्पताल में सब कुछ है, सब कुछ मिलता है। चलिए तो बहुत खुशी की बात है। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आप लोगों के? अभी तो हमारे बच्चे नहीं है। अच्छा, आप पब्लिक स्कूलों में क्यों पढ़ाते हैं अपने बच्चे, सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाते? सरकारी में दो बेटे तो मैंने प्राइवेट में पढ़ा रखे थे। अच्छा, कुछ नहीं सीखा है तक जिंदगी में, अब सरकारी में पढ़ा रहा हूँ तो सीखे। एक मेरी बेटी पढ़ती है छोटी प्राइवेट स्कूल में, उसको कुछ भी नहीं आता आजकल। अच्छा। जो सरकारी स्कूल में डाले अभी दो साल में ही सब कुछ सीख गए, प्राइवेट में कुछ सीखे नहीं आया तक। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि ना सरकारी स्कूलों में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है ना प्राइवेट में, कई स्कूल सरकारी ऐसे है जहाँ पर अच्छे हालात हैं आपके हिसाब से? अच्छा है जी, सीधी बात, सरकारी अच्छा है। सरकारी अच्छा, प्राइवेट से तो लाख गुना बढ़िया है। तो प्राइवेट में देखो जी, एक क्लास में 50 बच्चे हैं। हाँ। अब मैडम किस किस पे ध्यान देगी कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है कौन सा नहीं, उन पर टाइम ही नहीं होता। आधे घंटे का पीरियड अपना, चलो जी हो गया काम, दूसरी पीरियड फिर आधे घंटे बाद आता है, भाई इंग्लिश पढ़ी है तूने नहीं। अब जब तक उस बच्चे की बारी आती है जब तक तो पीरियड ही खत्म हो जाता है। तो सरकारी स्कूल में ये तो है कि एक मास्टर सुबह से शाम तक ड्यूटी दे रहा है, तो उसको हर बच्चे का ज्ञान है कि इस बच्चे ने क्या करा है और क्या नहीं करा। चलिए, कल पढ़ रहा है था, आज क्यों नहीं पढ़ा ये? चलिए, क्या नाम बताया था आपने? मेरा राहुल नाम। राहुल, बहुत खुशी हुई कि पहला आदमी ऐसा मिला है जो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे पढ़ाकर खुश है। मैं तो नहीं तो रिक्शा चलाने वाला भी आज ये कहता है कि प्राइवेट सरकारी स्कूलों में बहुत हालात खराब है, तो और वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है। मैं मंथली इनकम कमाता हूँ 60,000 रुपए जी। अच्छा, तभी पढ़ा रहा हूँ। हाँ, 60,000 कमाते हो तो कहीं भी पढ़ाओगे? कहीं भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं अच्छा लग रहा। नहीं पढ़ा रहा? नहीं, बहुत अच्छी बात। उनको कहता हूँ तुम एक काम करो, 500 रुपए डेली फ्रूट खा जाओ, मुझे कोई दुख नहीं। भाई सर, जब तक जो है अफसरों के बच्चे, जजों के बच्चे, नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, तब तक हालात जो सरकारी स्कूलों के नहीं बदलेंगे। हमारा जी जो जब तक जो है ये व्यवस्था नहीं होती कि भी सरकारी अफसर, नेता और यानी सभी का इलाज जो है सरकार उसमें ज़रूरी है, प्राइवेट उसमें है, सरकारी अस्पताल, जब जो है ये व्यवस्था होगी, ये कानून बनेगा, तभी इनकी सरकारी स्कूलों की और सरकारी अस्पतालों की हालत सुधर सकती है। तो दोस्तों, देखो जी, हमारे रिश्तेदार है पंजाब के अंदर जी, कोई रेलवे पुलिस में बड़ा अफसर लग रहा है, कोई आईपीएस अफसर लग रहा है, मेरी बुआ है वो फरीदाबाद में थानेदार लग रही है, और हमारा मामा है वो आईएएस अफसर लग रहा है पंजाब के अंदर। देखिए, बहुत ये सारे सरकारी स्कूल से पढ़े हुए। हाँ, हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए। तो दोस्तों, ये था एसी नगर का इलाका, और जो हमने आपके यहाँ दिखाए, लोगों से बातचीत कराए, कुछ मतलब जो विधायक हैं उन लोगों से ज़्यादातर लोग सहमत नहीं हैं, कह रहे हैं और उनके मतलब पीने के पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया नहीं है, एजुकेशन की व्यवस्था बहुत बढ़िया नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बढ़िया नहीं है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में उनका बच्चा पढ़ता है बहुत वो अच्छा है। एक व्यक्ति ने बताया कि सरकारी अस्पताल में उसे ठीक ठाक स्वास्थ्य सेवाएँ मिली हैं, तो ये अच्छी बात है, खुशी होती है कि कोई सरकारी स्कूल में या किसी परिवार का बच्चा जो अच्छी तरीके से पढ़ रहा और वो खुश है, या सरकारी स्कूल सरकारी अस्पताल में वो इलाज के लिए गए उनका ठीक ठाक इलाज हो गया। नहीं तो ज़्यादातर लोग 90% लोग सरकारी अस्पतालों में नहीं जाना पसंद करते, सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने नहीं पड़ते पढ़ाना पसंद करते। कारण यही है कि वहाँ पर ना अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ मिलती हैं, ना ही वहाँ पर अच्छा सरकारी स्कूलों में अच्छी एजुकेशन मिलती है, जिससे कि वो आगे चलकर इंजीनियर, बड़े पत्रकार या डॉक्टर या कोई भी बड़े अफसर बन सकें, तो लोगों का आम तौर पर ये मानना है। तो दोस्तों, ये था हमारा ओल्ड फरीदाबाद का जो इलाका है, ये उस विधानसभा क्षेत्र में ओल्ड फरीदाबाद में पढ़ते हैं जहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार लखन सिंगला और भाजपा के विपुल गोयल उम्मीदवार हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में चलते हैं, फिर आगे बात करेंगे। धन्यवाद फिलहाल के लिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।